गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपनी वॉइस ऑन करके आप बताएं, वॉल्यूम वगैरह ठीक आ रही है? आदित्य पर सोया, बताएं बेटा, वॉल्यूम आ रही है? देखिए, आज हमारी बुक का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, और उसमें कवि सूरदासी कवि सूरदासी है, उनकी कृति सूर सागर, बहुत महान रचना है इनकी, सूर सागर। तो सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से हमारे पद लिए गए इस चैप्टर में। तो भावार्थ पढ़ने से पहले हम सूरदास जी का परिचय सीखते हैं। सूरदास जी का हम परिचय लेते हैं। वैसे हमने छोटी क्लासेज में भी सूरदास जी को पढ़ रखा है। सबसे पहले सूरदास जी का सामान्य परिचय। दिव्यांशु बोलिए, वॉल्यूम आ रही है? दिव्यांशु, बेटा मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? दिव्यांशु बेटा जवाब दीजिए, मेरी वॉल्यूम आ रही है क्या? एक बार वॉइस अपनी ऑन कीजिए। ओके, यस सर, यस सर, ठीक है बेटा, यस सर, ओके, अब यस सर, म्यूट कर यस लीजिए सर। वॉइस को, वॉइस म्यूट कर लीजिए। आज हम चैप्टर का भावार्थ करने से पहले सूरदास जी का परिचय सीखते हैं। सबसे पहले तो हम इनका सामान्य परिचय देखें। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में हम लिखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, फिर माता-पिता कौन है, उसके बाद गुरु कौन है, कौन सी भक्ति धारा से संबंधित है, कहाँ इन्होंने अपना मुकाम बनाया, कहाँ और कैसी इन्होंने शिक्षा या दीक्षाएं दी,
ये इनका सामान्य परिचय होता है। किसी भी कवि के सामान्य परिचय में यही लिखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ है और उनके माता पिता या गुरु का नाम कौन है, क्या है, और उन्होंने किस भक्ति धारा से संबंधित बातें बताई है, उनकी कविता है किस तरह की है। तो ये होता है सामान्य परिचय। तो हम देखते हैं सूरदास से इनका संबंध जोड़ लेंगे सीही गांव। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? सीही गांव में। से का संबंध जोड़ लें, हमेशा याद रहेगा सूरदास जी का जन्म हुआ सीही गांव में, और ये दिल्ली के पास ही है। जो वर्तमान में नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली आप बोलते हैं, बस उसके पास ही सीही नामक गांव है, वहां सूरदास जी का जन्म हुआ। सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। जब इनका जन्म हुआ तब से ये अंधे थे, जन्मांध थे। अब बताइए, बिल्कुल अंधे होने के बाद, जन्म से अंधे होने के बाद भी ये बहुत बड़े कवि या बने, तो बहुत प्रतिभा थी इनके अंदर। जन्मांध थे ये। शुरू में निर्गुण भक्ति के पद गाया करते थे, निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे, लेकिन जब इनका संपर्क हुआ वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य जी, तो वल्लभाचार्य जी से जब इनका सूरदास जी का संपर्क हुआ तो इनकी शिक्षा से प्रेरित होकर के, इनकी बातों से प्रेरित होकर के सूरदास जी निर्गुण पदों को गाना छोड़ देते हैं और सगुण भक्ति की ओर आ जाते हैं। तो ये वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं। वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से सूरदास जी सगुण भक्ति की ओर आ गए, और सगुण भक्ति में भी ये कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित थे, कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण भक्ति को, कृष्ण भक्ति धारा को आगे बढ़ाने वाले, प्रसिद्धि दिलाने वाले 8 प्रमुख कवि हैं, जिन्हें अष्ट छाप के कवि कहा जाता है। उन अष्ट छाप के कवियों में भी एक है सूरदास, और इनके लिए एक पद भी कहा जाता है, एक दोहा लिखा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास। अब के कवि खैधोत सम जहें तहें करत प्रकाश। ये एक दोहा है। देखो, इस दोहे में बताया गया है सूर सूर, पहले सूर का अर्थ है सूरदासी और दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य,
एक जैसा पद या शब्द आ जाता है, अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यमक अलंकार भी होता है, हम जानते हैं यमक अलंकार है। यहाँ सूर्यदास जी कवि मंडल के सूर्य के समान थे, तो तुलसीदास जी शशि यानी चंद्रमा के समान। सूर्यदास जी सूर्य के समान, तो तुलसीदास जी चंद्रमा के समान थे। उड़गन बोलते हैं तारों को। और केशवदास जी जो थे, ये भी एक कवि हैं, केशवदास जी उन तारों के समान थे। तारों का जैसा जितना प्रकाश होता है, थोड़े थोड़े नजर आते हैं, छोटे छोटे नजर आते हैं, होते तो बहुत बड़े हैं, तो उन तारों की तरह केशवदास जी हैं अब के कवि। लेकिन जो वर्तमान के कवि हैं, है ध्योत कहते हैं जुगनू, अब के जो कवि हैं वो तो जुगनू के समान हैं। जह तह करत प्रकाश, जैसे जुगनू यहां वहां उड़ता हुआ नजर आता है, उसकी चमक भी दिखती है, लेकिन उससे कोई प्रकाश होता ही नहीं। तो अब के कवि उस जुगनू के प्रकाश के समान। तो वास्तव में आप देखिए, सूरदास जी, तुलसीदास जी और केशवदास जी बहुत बड़े और महान कवि हुए हैं। और सूरदास जी को तो कवि मंडल का सूर्य बताया गया है, कि कवि मंडल के सूर्य के समान है। तो वास्तव में इस दोहे को आप इनके परिचय में लिखें, याद करें कि वास्तव में सूरदास जी बहुत बड़े कवि हैं, कवि मंडल के सूर्य के समान। तो वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से, वल्लभाचार्य जी के गुरु का नाम है, वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से सूरदास जी फिर सगुण भक्ति की ओर आए और इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा का प्रचार किया, इस धारा को आगे बढ़ाया। जो गऊ घाट है वहां पर, गऊ घाट है वहां पर आश्रम में ये रहते थे, वल्लभाचार्य जी का आश्रम था तो वहां रहते थे और वहां ये प्रवचन दिया करते थे और वहां संगीत भी गाते थे, भजन भी गाते थे। जो भी भक्त आते वहां पर, उनको ये भगवान के कृष्ण के भजन गा के सुनाते थे और प्रवचन भी कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित दिया करते थे, सुनाया करते थे। और इतनी प्रतिभा थी इनके अंदर कि जन्मांत होने के बाद भी भगवान इन्हें दर्शन देते थे, भगवान इन्हें फिर भी दिखते थे जन्मांत होने के बाद भी। और जब शिष्य, अन्य शिष्य श्रृंगार कर देते थे भगवान का, और उस भगवान के स्वरूप को देखकर, उस भगवान के श्रृंगार को देखकर, उस भगवान की पोशाक को देखकर सूरदास जी बखान करने लग जाते थे, उनका गान करने लग जाते थे कि आज भगवान इस श्रृंगार में कैसे नजर आ रहे हैं, कैसे दिखाई दे, बताइए, जन्मांध होने के बाद भी आज भगवान इस श्रृंगार में कैसे नजर आ रहे हैं, वो सुना दिया करते थे शिष्यों को, गुरु को और उनके भक्तों को, सभी को आश्चर्य होता था कि भगवान जन्मांध होने के बाद भी सूरदास जी को दर्शन देते हैं, नजर आते हैं। एक बार शिष्यों ने मजाक के उद्देश्य से भगवान का श्रृंगार आज करने में समय तो ज्यादा लगा दिया, लेकिन वास्तव में कोई श्रृंगार नहीं किया, यहां तक कि आज भगवान को पोशाक भी धारण उन्होंने नहीं करवाई। और फिर पूछने लगे सूरदास जी से, आज बताइए, आज आप गाइए, भगवान कैसे नजर आ रहे हैं। आज सूरदास जी ने बता दिया कि आपने आज तो भगवान को पोशाक भी धारण नहीं करवाई है, तो वे और सब जो शिष्य थे वो भी सूरदास जी के चरणों में गिर पड़े। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि वास्तव में सूरदास जी को भगवान दर्शन
देते। इतने बड़े इतने महान कवि कि भगवान स्वयं इनको जन्मांध होने के बाद भी दर्शन दिया करते। तो गौ घाट पर ये भगवान के भजन गाते थे और भक्तों को प्रवचन इत्यादि सुनाते थे, उपदेश दिया करते थे और संगीत वगैरह गान करते हुए भजन इत्यादि गाते हुए अपना समय व्यतीत करते। ये इनके जीवन का सामान्य परिचय। इसके बाद इनकी कृतियां देखते हैं। इनकी कृतियां, कृतियां जैसे हमने इनका जन्म सैसे सैका संबंध जोड़ा सिही गांव में हुआ, इसी प्रकार इनकी कृतियां भी सैसे ही प्रारंभ हो रही है। देखो क्या क्या है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तुम आसानी से याद कर सकते हैं, इससे सूरदास जी का जन्म सीही गांव में हुआ और सैसे संबंधित इनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। देखो सभी सैसे प्रारंभ हो रही है, तो हमें आसानी से ये याद रह सकती है। फिर यदि हम इनकी काव्यगत विशेषताएं बताएं, काव्यगत विशेषताएं बताएं, तो किसी भी काव्य में दो तरह की विशेषताएं होती है, एक होती है भावगत और एक होती है शिल्पगत। यानी शिल्पगत में होती है व्याकरण वाली बातें, कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कृतियां हैं, उनमें जो इन्होंने लिखा है वे व्याकरण की दृष्टि से, जैसे भाषा कौन सी काम में लेते हैं सूरदास जी, उसके अलावा कौन से अलंकारों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, कौन से रस का ज्यादा प्रयोग करते हैं, कौन से छंदों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो ये शिल्प के अंतर्गत आती है। शिल्प का अर्थ होता है व्याकरण। तो शिल्पगत विशेषताएं, सबसे पहले तो बात करें भाषा, तो इनकी ब्रज भाषा, इनकी भाषा है ब्रज। सूरदास जी ने जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं, की है, उन सब में ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगर बात करें रस की, तो वात्सल्य रस के सम्राट इनको कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट इनको कहा जाता है, कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है, माँ यशोदा के साथ कृष्ण के बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है कि इन्हें एक सम्राट का पद दे दिया गया, कि इनके समान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किसी ने भी नहीं किया। और हम छोटी छोटी क्लास में भी अगर पढ़े तो हमें कई सालों तक इनकी वो बाल लीलाएं याद रही है रहती। कृष्ण के हाथ से माखन रोटी कौवा कैसे ले जाता है, या कृष्ण को वे अहीर की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, थोड़ी सी छाछ के लिए कितना तरसाती है, नाच नचाती है कि अब नाच के दिखाओ फिर छाछ मिलेगी, या कृष्ण ने जो चोर मंडली बनाई थी माखन और वे दही की चोरी करते थे, किस तरह से उन्होंने एक मंडली बना करके वो कार्य किया, तो इनकी बाल लीलाएं सब है। इनका वर्णन जो सूरदास जी ने किया वो ऐसा किसी ने भी नहीं किया, इसलिए वात्सल्य
रस की सम्राट इनको कहा जाता है। इसके अलावा हमारे जो पहला चैप्टर है उसमें इन्होंने वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस का भी वर्णन किया है, उसको भी काम में लिया है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जहां प्रेम की बातें हो, मधुरता की बातें हो, सुंदरता की बातें हो, और जिसके बारे में आप ये बातें कर रहे हैं वो आपके पास, आपके सामने, आपके साथ में हो, तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। कैसे? जैसे राधा और कृष्ण, ये दोनों आमने सामने हैं, दोनों साथ साथ हैं, और फिर कृष्ण राधा को कोई बात कहें और राधा कृष्ण को कोई बात कहें, प्रेम संबंधी उनकी बातें चल रही है, तो ऐसा वर्णन होगा, तो ये संयोग श्रृंगार होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की बात कर रहे हैं, दोनों इस समय साथ साथ हैं। तो जब प्रेम की या सुंदरता की बातें होती हैं और वे दोनों साथ साथ होते हैं, आमने सामने होते हैं, फिर उनके बीच वार्तालाप होती है, और ऐसा वर्णन किसी कविता में मिलता है तो संयोग श्रृंगार होता है। और जब प्रेम की या फिर सुंदरता की बातें होती है लेकिन वो उसके पास उसके साथ नहीं हो, मान लो प्रियतमा की मृत्यु हो गई लेकिन उसके बाद भी वो याद आ रही है, या मान लो आपको छोड़कर के कहीं चले जाए फिर आपको याद आ रही है, जैसे भगवान कृष्ण की बात करें तो गोपियों से बहुत प्रेम करते थे लेकिन जब इन्हें छोड़ करके वो मथुरा चले गए या द्वारकाधीश बन गए, द्वारका के राजा बन गए, गोपियों को छोड़ गए, तो अब गोपियां उन्हें याद करके जो भी कहती है वो वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रेम की बातें वो करती है लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ नहीं है, इन्हें छोड़ के चले गए, तो यहाँ होगा वियोग श्रृंगार रस। और हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें वियोग श्रृंगार रस ही है। सूरदास जी के जो पद है हमारे पहले चैप्टर में वो सूर सागर से लिए गए हैं, और सूर सागर में भी भ्रमर गीत प्रसंग है। भ्रमर गीत प्रसंग, यहाँ जो भंवरा है वो उद्धव जी को कहा, भगवान कृष्ण के दूत हैं, मित्र हैं उद्धव जी, तो जब कृष्ण वहां चले गए गोपियों को छोड़कर चले गए, और कृष्ण को जब सूचना मिली तो कि गोपियां मेरे वियोग में बहुत दुखी है, पीड़ित हैं, बहुत चिंतित हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उन्होंने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा कि आप जाइए और उन्हें संदेश दीजिए, आप संदेश सुनाइए कि वो मुझे भूल जाए, और उन्हें निर्गुण भक्ति का संदेश, योग साधना का संदेश आप सुना दो, जिससे वो मुझे छोड़कर, मुझे भूल करके निर्गुण भक्ति में लग जाए तो मेरी जो पीड़ा है वो छोड़ देंगी, मेरे प्रेम को भूल जाएगी या मुझे भूल जाएगी और अपना जीवन निर्वहन वो आसानी से कर लेंगी। तो भगवान कृष्ण उन गोपियों को निर्गुण भक्ति का उपदेश देने के उद्देश्य से समझा करके और गोपियों के पास भेजा, और गोपियों को वो संदेश सुनाते हैं, देते हैं कि तुम कृष्ण को भूल दो, भुला दो, तुम सगुण भक्ति को छोड़ दो, ये अच्छी नहीं होती है, देखो तुम कितनी पीड़ित हो, तुम कितनी परेशान हो रही हो इस भक्ति के कारण, और तुम निर्गुण भक्ति को स्वीकार कर लो, तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा, निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ होती है। तो ऐसा संदेश सुनाने के लिए उद्धव जी वहां पर आते हैं, तो उद्धव जी के उस निर्गुण भक्ति के संदेश को गोपियां स्वीकार कर देती है और कहती है कि हम तुम्हारे इस निर्गुण भक्ति के उपदेश को स्वीकार करने वाली नहीं है,
हम कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं है, हम कृष्ण को भुला नहीं सकती है, हम सगुण भक्ति को नहीं त्याग सकती है, हमारे लिए वही श्रेष्ठ है। तो गोपियां उद्धव जी को भंवरा कहकर के संबोधित करती है, कैसे कि हम सगुण भक्ति के रस को आनंद को ग्रहण कर रही है और तुम आकर के हमें उसको भूलने के लिए भुलाने के लिए कह रहे हो। तो जैसे कलियों में पुष्पों में रस भरा होता है, मधु भरा होता है, और एक भंवरा आकर के उन पुष्पों के रस को उन कलियों के रस को वह पीकर वहां से चला जाता है और वो कलियां रस से विहीन हो जाती है, वो पुष्प रस से विहीन हो जाते हैं उस भंवरे की वजह से। तो गोपियां भी ये कह रही है कि सगुण भक्ति में आनंद आता है, रस मिलता है, और तुम निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर के हमें रसहीन बनाना चाह रहे हो, इसलिए उन्हें भंवरा कहकर के संबोधित कर। और कृष्ण को वो गोपियां माली कहती और स्वयं को वे कलियां पुष्प मानती कि जैसे एक माली के सींचने से ही पेड़ पौधों के पुष्पियां कलियां खिलती है, वैसे ही भगवान कृष्ण ने हमें सींचित किया है, हमें सींचा है, इसलिए आज हम इतने प्रफुल्लित हैं। तो इस तरह से ये एक भ्रमर गीत प्रसंग है, इसमें कृष्ण को सूरदास जी ने माली बता दिया और गोपियों को पुष्प वाटिका की कलियां या पुष्प बताया है और उद्धव जी को एक भंवरा बताया। तो इसका नाम भ्रमर गीत इसीलिए रखा गया इस प्रसंग का नाम कि यहाँ गोपियों ने उद्धव जी को भंवरा कहकर संबोधित किया। जब हम पढ़ेंगे तो आगे हमें ये बात मिलेगी। अगर हम इनके भाव सौंदर्य की बात करें तो इन्होंने कृष्ण भक्ति का संदेश दिया है, कृष्ण भक्ति का संदेश अपनी रचनाओं में दिया है। इसके अलावा इन्होंने लोक रंजन, इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है लोक रंजन अर्थात लोगों को आनंद मिले आए, ऐसी इनकी रचनाएं हैं। जब भी इनकी कृतियों को, जब भी इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं, जब भी इनके पदों को पढ़ते हैं तो हमें आनंद आता। कृष्ण की लीलाओं का बहुत ज्यादा सुंदर सटीक इन्होंने वर्णन किया। तो हम इस तरह से आज सूरदास जी का परिचय हमारी नोटबुक में तैयार करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम सूरदास जी के जो पद है पहले चैप्टर में उन पदों का भावार्थ करेंगे। तो आज एक पेज में आप इनको तैयार करें और जो भी समस्या है आप अपनी वॉइस को ऑन कर सकते हैं। अगर परिचय से संबंधित कोई बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट को यदि सूरदास जी के परिचय से रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। सर इस दोहे का अर्थ बता दो। बेटा थोड़ा जोर से बोले, वॉल्यूम कम आ रही है। सर दोहे का अर्थ बता दो। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रश्न पूछना है, कोई बात पूछनी है, अपनी एक नोटबुक बनाएं और उसके पहले पृष्ठ पर आप चैप्टर नंबर 1 सूरदास जी लिखें और सूरदास जी का परिचय तैयार करें एक पेज में।
तीन भागों में आप विभाजित कर ले। एक में सामान्य परिचय उनका लिख दें, दूसरे भाग में उनकी कृतियां लिख दें और तीसरे भाग में उनकी काव्यगत विशेषताएं, यानी उनकी भाषा कौन सी है, कौन से रस का ज्यादा प्रयोग करते हैं, कौन से छंदों का करते हैं, इसके अलावा कौन सा संदेश और क्या भाव इनकी रचनाओं में हमें मिलता है, ग्रहण होता है, ये आप लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।